यूपी के रामपुर में गुलशन वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने हजारों महिलाओं को एकत्र कर एक निजी होटल में मतदान जागरूकता का कार्यक्रम किया, जिसमें मतदान करने के लिए विशेष तौर पर महिलाओं को जागरूक किया गया और मतदान की विशेष जानकारी दी गई। इस मौके पर गुलशन वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महासचिव वसीम खान ने कहा, ये दिया गया है कि मतदान का कैसे करना चाहिए और किस तरह से आपको अपना मतदान देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कि आपको दे रखा है वही हक आप भूल जाते हैं। हमारी महिलाएं बेचारे घर के उलझनों की वजह से नहीं जा पाती हैं, तो उनको बताया गया है कि आप सुबह नाश्ते के बाद 8 बजे से निकली और रेंज में जाने के बाद आप बटन दबाइए जिसको आप चाहती हैं, उसको जब तक आप बटन दबाने के बाद आवाज़ नहीं आई तीन जन से जब तक आप उंगली नहीं हटाइए, आप अपना मतदान अपनी सही जगह करिए जहां आपका हक है और जो आप चाहते हो। मतदान को लेकर प्रेरित किया जा रहा है, तो किस तरीके का रुझान दिखेगा इस बार चुनाव में? ठीक है, मेरी इस संस्था से लगभग 9000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और लगभग 800-900 महिलाएं आपके सामने हैं, तो ये इनका परिवार, तो मेरे हिसाब से लगभग हमारे रामपुर से मतदान का हिसाब किताब लगभग 70% मेरे हिसाब से फॉलो होगा। अच्छा, किस तरीके से संदेश देंगे इनको के सोच समझ के जो है वोट करें, मैंने बताया अच्छी सरकार बनाए? मैंने बताया इन लोगों को अभी आप लोग से कि कोई भी परदेसी आदमी आन के, कोई भी महिला आन के बेवकूफ़ बना के चली जाती है और फिर हम उसको फ़ोन करते हैं या कोई बात करते हैं तो हमारे बीच में नहीं आ पाती है, फिर वो 5 साल बाद ही आती है। तो हम कब से कब ये देखें कि हमारा रहने वाला कहाँ का है, कौन बंदा है और ये हमारे बीच में काम कर पाएगा या हमारे हक के लिए सोच पाएगा या नहीं सोच पाएगा, इसलिए इनको सारी चीज़ें बताई गई।